दो चीजों के लिए कंबाइन हार्वेस्टर में पेपर या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नंबर नहीं होता है इसमें भी, ये दो चीजें ही होती हैं इम्पोर्टेंट, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। तो ये तो ना आप खत्म कर दिया कि अब जमीन की जरूरत नहीं है, वो कंबाइन हार्वेस्टर को खींच लेंगे। तो फिर वो क्योंकि ये तो आज भी आपको देना पड़ेगा, तो इस चीज से तो बैंक जो आपकी गारंटी लेगा तो वो गारंटर के भी फोटो और आईडी प्रूफ वगैरह उसका भी चाहिए होता है। एड्रेस प्रूफ, फोटो, कोटेशन, गारंटी और ये चीजें मेन है। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑल राउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो इसमें जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि जो नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज की जाती है तो उसके लिए क्या क्या पेपर या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपको पेपर चाहिए। तो आपके पास अगर वो पेपर है या नहीं है तो ये आप इस वीडियो से जान सकेंगे कि क्या हम प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना। तो दो चीजों के लिए कंबाइन हार्वेस्टर में पेपर या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नंबर वन जो है हमारा वो है रजिस्ट्रेशन। जब कंबाइन हार्वेस्टर का रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या पेपर होने चाहिए। प्लस दूसरा होता है हमारा लोन। अगर आप लोन करा रहे हैं, अगर आप कैश में ले रहे हैं गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर आपको बस रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, लोन के डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप कैश में ले रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के पेपर की जरूरत है। बाकी अगर आप लोन करा रहे हैं तो आपको दोनों पेपर की जरूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन की भी, रजिस्ट्रेशन के लिए भी और लोन के लिए भी। तो लोन वाले कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट ज्यादा चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स इतने नहीं चाहिए। तो अब मैं यहां दो बताऊंगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात कर लें तो बस दो तरह के रजिस्ट्रेशन के में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक तो पड़ती है कि आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत पड़ती है और दूसरी पड़ती है एड्रेस प्रूफ की जरूरत। तो ये दो चीजें आपको जरूरी होती हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है। तो जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ में आपकी क्या क्या आता है कि मान लीजिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड प्लस वोटर आईडी और इसी तरह से एक होता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये एक तरह से आइडेंटिटी प्रूफ की आप इसमें लगा सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ में इसमें भी ये चीज आप लगा सकते हैं, जैसे बिजली का बिल है और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी एड्रेस प्रूफ में चल जाता है। बाकी और कुछ ऐसा नहीं होता है इसमें भी, ये दो चीजें ही होती हैं इंपॉर्टेंट, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। तो ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। अब अगर मान लीजिए आप लोन करा रहे हैं तो लोन में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट की तो ये तो कॉमन है, ये तो पढ़नी जरूरत है, लेकिन अब लोन में हम बात कर लेते हैं। तो लोन में सबसे पहले बात करेंगे कि जो पहले बैंक मांगती थी अब सिस्टम चेंज हो चुका है, अब वो वाली बात नहीं है। तो पहले जो बैंक थी, तो पहले बैंक जो था वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रखा था कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने के लिए कि आपके पास 3 एकड़ जमीन होनी चाहिए। तो अब 3 एकड़ जमीन आपकी होनी चाहिए जो क्या बैंक में मॉर्गेज होगी, बंधक बनाई जाएगी, तभी आप कंबाइन हार्वेस्टर के लिए लोन करा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो 3 एकड़ जमीन का मॉर्गेज सिस्टम खत्म कर दिया है। अब वो क्यों खत्म कर दिया है, उसका एक ये रीजन है कि अब बैंक ये मान लेती हैं, सबसे पहली बात तो बैंक ये देख लेती है कि जब कंबाइन हार्वेस्टर इसने न्यू खरीदी है तो जैसे कार वाला सिस्टम होता है कि आप कार परचेज करते हो तो उसके लिए किसी ऐसा मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि अपने आप में जिस वाहन पर आप लोन ले रहे हो वो वाहन ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है, तो बैंक उसको खींच लेगी। तो अब बैंक ने कंबाइन हार्वेस्टर को भी उसी दर्जे में कर दिया है कि
कि अगर आप डिफॉल्ट होते हैं, डिफॉल्टर होते हैं, आपने अगर उनका लोन नहीं चुकाया तो वो जमीन को तो उन्होंने अब खत्म कर दिया कि अब जमीन की जरूरत नहीं है, वो कंबाइन हार्वेस्टर को खींच लेंगे तो फिर वो उससे अपना पैसा पूरा कर लेंगे। तो इसलिए अब जमीन का क्राइटेरिया तो मोस्टली बैंकों ने हटा दिया है, तो अब वो आपकी हैसियत और कैपेसिटी के ऊपर आपको सिविल वगैरह के ऊपर आपको लोन कर देते हैं। तो जो पुराना क्राइटेरिया था 3 एकड़ वाला, उसमें भी यही मांगा जाता था, जैसे कि 3 एकड़ जमीन और 6 महीने का जो है बैंक का स्टेटमेंट मांगते थे वो, और प्लस जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी कोई पहचान है आपकी वो मांगा करते थे, फोटो, और इससे रिलेटेड ही ये मांगते थे, जैसे कि गारंटर मांगते थे, एक गारंटर भी होना जरूरी होता है तो वो पहले ये मांगते थे। तो और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी जो है वो 6 महीने की जो है सैलरी स्लिप मांग लिया, 3 महीने की मांग लेते हैं, कभी 6 महीने की मांग लेते हैं सैलरी स्लिप, प्लस आपने 2 साल का ITR भरा है या नहीं, या फॉर्म 16 आपके पास है या नहीं है, तो ये चीज जो है पहले मांगते थे। लेकिन अब बैंक जो है अब आपसे खाली ऐसा कुछ नहीं मांगती जो पहले इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट था। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो फिर आपको सैलरी स्लिप प्लस बैंक स्टेटमेंट, ITR, फॉर्म 16 ये तो देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो आज भी आपको देना पड़ेगा। तो इस चीज से तो बैंक ने कोई वो नहीं किया है, लेकिन ये जमीन का जो क्राइटेरिया है इसको हटा दिया है। तो अब जो बैंक देखती है वो पहले देखती है आपका सिविल स्कोर, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको बैंक आसानी से लोन प्रोवाइड कर देती है। तो सबसे पहले जो अब बैंक देख रही है वो सिविल स्कोर देख रही है आपका, फिर बैंक स्टेटमेंट आपका होना जरूरी है, बैंक स्टेटमेंट भी आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देखेंगी कि आपके ट्रांजैक्शन कैसे रहे हैं, प्लस आपकी आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आपकी पहचान क्या है, ये होना भी जरूरी है। तो 3 चीजें तो ये हो गई, सिविल स्कोर, 6 साल का बैंक, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, प्लस आपका आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपका बिजली का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी ऐसा एड्रेस प्रूफ जिससे आपका एड्रेस उसमें डिक्लेयर हो तो वो मांगा जाता है। फिर उसके बाद फोटो आपके होने चाहिए। फिर उसके बाद होता है कोटेशन, जो आपको मशीन वाला उसकी कोटेशन देगा बना करके, वो कोटेशन भी बैंक वाले मांगेंगे कि वो क्या कोटेशन है। फिर उसके बाद होता है गारंटर, तो गारंटर जो होता है जो आपकी गारंटी लेगा, तो वो गारंटर के भी फोटो और आईडी प्रूफ वगैरह उसका भी चाहिए होता है, तो गारंटर का सब कुछ उसमें लगेगा, जो आपका मांगा जाएगा वही गारंटर का भी मोस्टली मांगा जाता है, तो एक गारंटर भी आपको अपने साथ रखना है। प्लस उसके बाद आता है आपका पूरी टीम जो है वो घर पर जाएगी और आपकी हैसियत और आपका पूरा घर वगैरह और प्रॉपर्टी वो देखेगी, मतलब वो एश्योर होंगे, ऐसा नहीं है कि उसका कोई डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं हाँ आप यहाँ प्रॉपर रहते हैं, क्या आपकी हैसियत उतनी है जो आप इस लोन को पे कर पाएंगे, तो ये देखना भी उन्हें जरूरी रहता है पहले, देने से पहले, जब क्या उसकी कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब है। आप कंबाइन हार्वेस्टर से बिजनेस करोगे, आप पैसा कमाओगे, तो उसके बाद आप पेमेंट तो उससे करोगे कमाने के बाद ही, लेकिन फिर भी वो एक बार अपने आप को एश्योर करना चाहते हैं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, अगर आपको हम पैसा दे रहे हैं तो हम ऐसा तो नहीं है किसी गलत बंदे को पैसा दे रहे हैं। तो ये चीजें पता लग जाती हैं सिविल स्कोर वगैरह से। तो ये जो मैंने लास्ट के जो आपको सब पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि सिविल स्कोर, बैंक स्टेटमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो, कोटेशन, गारंटर, और ये चीजें मेन है बस, बाकी तो आप आसानी से कहीं से भी लोन ले सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस ये है कि एक ऑथेंटिसिटी आपको दिखानी पड़ेगी कि हाँ हम जेन्युइन बंदे हैं और हम आपका जो लोन अमाउंट है वो उसमें कोई भी करप्ट अपना आपको वो नहीं वो करेंगे और हम आसानी से आपको चुकता कर देंगे, हमारी इतनी हैसियत है। तो ये सब चीज आपको दिखानी पड़ती है, तो बैंक वाले जब पूरी तरह से एश्योर हो जाते हैं तो आपको वो आसानी से लोन दे देते हैं। पहले मुश्किल था, देखिए मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे बिजनेस को करना चाहते हैं लेकिन उनके पास 3 एकड़ जमीन नहीं होती नाम में, तो उन्हें ये प्रॉब्लम आती है, वो बेचारे नहीं खरीद सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास जमीन अगर नहीं भी है तो आप कंबाइन हार्वेस्टर को परचेस कर सकते हो और उससे कमा करके उसी को पे भी कर सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप आसानी से इसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।